मैजिकल चिकन मशीन। सारंगपुर नाम के गांव में एक चिकन की दुकान थी। उसका मालिक था देवानंद। उसके बेटे का नाम था लड्डू। वो बहुत लालची था। उसके पास यदि कोई गरीब भीख मांगने आता तो उसे गाली देकर भगा देता था। उसके पिताजी जो चिकन देते थे उन्हें साइकिल में लादकर ढाबा में जाकर सप्लाई करता था, फिर उसके बदले में उनसे पैसे ले लेता था। वहाँ तैयार होने वाले चिकन कबाब, ग्रिल चिकन, तंदूरी चिकन सब देखता रहता था। ये देखकर एक ढाबे का मालिक, क्यों भाई लड्डू, ये क्या तुम हर रोज इन्हें ताकते रहते हो, खाने का दिल कर रहा है क्या? अरे भाई तुम्हें जो पसंद हो खा लो, मैं पैसे खाते में लिख लूंगा, एकदम सिंपल है। अरे इन्हें खाने के लिए मैं इन्हें नहीं देख रहा हूँ, आप हमसे 180 रुपए केजी के हिसाब से चिकन खरीदते हो, लेकिन उसमें मसाला तेल वगैरह डालकर आप उसे 3 गुना दाम में बेचते हैं। इस तरह आप बहुत पैसे कमा रहे हैं, आपका काम अच्छा है। अरे बेटा लड्डू हमारे भी बहुत खर्चे होते हैं, तेल, घी, मसाला, चूल्हा, ये सब मुफ्त में नहीं आता है ना बेटा, काम करने वालों का तनख्वाह, ये ढाबे का किराया, ये सब भी तो देना पड़ता है बेटा, वो सब पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? अरे जो भी कोई काम करता है उसमें नफा नुकसान सब होता है बेटा, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, जब नजदीक जाओगे तब उसका असली रूप पता चलेगा। कहकर वहाँ से चला गया। ये क्या, जिस किसी से पूछो सब यही कहते हैं कि हमारा ज्यादा मुनाफा नहीं है, मैं इनके बातों पर यकीन नहीं करने वाला। 1 किलो चिकन 180 रुपए में खरीदते हैं और 500 रुपए कमाते हैं, मैं भी अगर एक ढाबा खोल लूं तो खूब पैसे कमा सकता हूं। वो हर रोज ढाबे का जो कूड़ा करकट था सब लाकर गांव के बाहर एक कूड़ेदान में फेंकता था। एक दिन उसे उस कूड़ेदान में एक मशीन दिखाई दिया। अरे ये क्या है, बड़ा अजीब मशीन है, कल तो यहाँ पर नहीं था, वैसे ये मशीन क्या काम करता होगा, यूं सोच रहा था। बेटा लड्डू मैं एक जादुई मशीन हूँ, मुझे लोगों की सहायता करने के लिए बनाया गया है, अगर तुम मेरे मशीन में चिकन डालोगे तो उसमें से चिकन कबाब, चिकन तंदूरी, ग्रिल चिकन और कई चिकन के आइटम बाहर निकलेंगे, लेकिन वो सब आइटम गरीबों की भूख मिटाने के लिए ही इस्तेमाल करना होगा, अगर तुम्हें ये बात मंजूर है तभी मुझे यहाँ से ले जाओ। माई डियर मैजिकल मशीन, अरे मैं तो पैदा हुआ ही इसीलिए था कि मैं गरीबों की सेवा कर सकूं। मैंने तो अपना जिंदगी गरीबों के लिए समर्पित कर दिया है। आप मेरा यकीन करो, अगर गरीबों की सेवा करने का मौका मुझे मिल रहा है तो मैं मना क्यों करूंगा भला, मैं तुम्हें ले जाऊंगा और गरीबों की भूख मिटाऊंगा। इस तरह लड्डू वो मशीन ले गया और एक ढाबा खोला। वो मशीन में कच्चा चिकन डालता था, बस उसमें से चिकन कबाब, ग्रिल चिकन, तंदूरी चिकन और ना जाने कितने किस्म के चिकन के आइटम्स बाहर निकलते थे। उसे ढाबा में सर्व करता था, उसे खाकर लोग बहुत खुश होते थे। लड्डू बेटा ये ग्रिल चिकन इतना स्वादिष्ट है, मैं कुछ बता नहीं सकती, इतना स्वादिष्ट चिकन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाया बेटा। तुम्हारा ढाबा नया है तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं ये ढाबा कैसा होगा, स्वाद होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ आकर खाकर देखा तो वाह बहुत स्वादिष्ट है, अब सब गांव वालों को इस ढाबे के बारे में बताना ही होगा। यूं धीरे धीरे वहाँ भीड़ होने लगी। हर रोज वो कच्चा चिकन उस मशीन में डालता था और उस मशीन से अलग अलग किस्म के चिकन आइटम्स बाहर निकलते थे। उन्हें खाकर सब कस्टमर बहुत खुश होते थे, यूं उसने खूब पैसे कमाए। एक दिन ढाबे के पास आए कुछ गरीब लड़कों से, क्यों रे कमबख्तो, अरे तुम्हें भीख मांगने के लिए मेरा ही ढाबा मिला था क्या, कमीनो अरे तुम्हारी शक्ल देखूं तो उल्टी आती है, अरे मेरे ग्राहकों ने तुम लोगों को देख लिया तो वो यहाँ खाना बंद कर देंगे, अब दफा हो जाओ यहाँ से कमीनो, कहकर डांटा। ये सब बातें मशीन को सुनाई दी।
एक दिन एक पहलवान अपने चमचों के साथ ढाबे में पहुंचा। क्यों रे लड्डू, सुना है तुम्हारे चिकन बहुत जबरदस्त है। अरे गांव वाले तुम्हारे चिकन की खूब तारीफ कर रहे हैं। जरा मुझे और मेरे चेलों को अच्छी चिकन देना, हम भी स्वाद चखते हैं। तब लड्डू ने तुरंत कच्चा चिकन मशीन में डाला। उनमें से कई किस्म के चिकन आइटम बाहर निकलने लगे। उन्हें लाकर उसने पहलवान के सामने रखा। पहलवान और उसके चमचे उसे खाने लगे। रात ये क्या, गोबर की बू आ रही है। ना मिर्ची है ना नमक है, ये क्या ये? वो कमबख्त कौन है जिसने कहा था कि इस ढाबे में खाना स्वादिष्ट है? ये क्या दादा, आप कैसे जगह लेके आ गए? इसमें तो गोबर की बू आती है, चाहो तो आप ही सूंघ कर देख लो। कहकर एक चिकन के टुकड़े को पहलवान के नाक के पास ले आया। उसे सूंघ कर पहलवान को बहुत गुस्सा आया। याक, ये तो गोबर की बू आ रही है, अरे इसे सबक सिखाना ही होगा। यूं कहकर सब ने मिलकर उसे खूब मारा। अरे बाप रे, मुझे ना मारो, मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, कहकर गिड़गिड़ाने लगा। वे सब गुस्से में वहाँ से चले गए। क्यों रे लड्डू, मैंने तुमसे क्या कहा था और तुमने क्या किया? तुम जैसे गधों के पास मैं नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ। तुम सोच रहे हो कि मेरे जाने के बाद किसी बावर्ची को रख लोगे? अरे कोई जितना भी मर्जी बढ़िया खाना बनाए, यहाँ ढाबा नहीं चलेगा। तुमने ढाबे के लिए जो पैसे खर्च किए हैं सब पानी में बह गए समझो। तुम जैसों के लिए यही सजा है, कम से कम अब से ईमानदारी की जिंदगी जियो। कहकर वो मशीन गायब हो गई। लड्डू सिर पीटता रह गया।